सक्करदरा पुलिस थाना अंतर्गत एक डकैती का मामला उजागर हुआ है, जहां सक्करदरा स्थित बुधवार बाजार क्षेत्र में चोरी के मनसूबे से आए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं ऐसा ही एक मामला नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है, जहां जिनके पास से काफी संदिग्ध माल बरामद किया गया है। दरअसल दिनांक 26 अक्टूबर की रात 12:40 के दरमियान आरोपी गोपाल और बाला प्रमोद पिंपलकर उम्र 22 वर्ष शीतला माता मंदिर पुराना बीड़ी पेट निवासी, साथ ही साथ सैयद बिलाल उम्र 23 वर्ष गौरव और टकलिया बोरकर एवं शैलेश और बाजा बोरकर, यह चार लोग बुधवार बाजार स्थित जलकुंभ के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े थे, जिसकी गुप्त जानकारी मिलने पर गश्त के दौरान सक्करदरा पुलिस थाना अंतर्गत चारों आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इनमें से सागर और दद्दू पुजारी फरार है। खोजबीन के दौरान पता चला है कि आरोपियों पर पहले भी संदिग्ध गुना दाखिल है। यहां जांच के दौरान इनके पास से मिर्ची पाउडर, 2 रस्सी, 3 चाकू, 4 मोबाइल फोन हस्तगत किए गए हैं। सक्करदरा पुलिस को मिली जानकारी के हवाले यह चारों अपराधी बड़े डकैती की योजना काल नाइट चे पेट्रोलिंग डीबी स्टाफ यांना काल रात्री गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की बुधवार बाजार परिसरात पाण्याच्या टाकीजवळ 5-6 लोक बसलेले आणि ते दरोडा टाकण्याच्या तयारीमध्ये बसलेले, त्यांच्याकडे शस्त्र वगैरे आहे। त्यानुसार त्यांनी डीबीचे जे आमचे चंद्रकांत साळवे मेजर आहे त्यांना त्यांनी स्टाफसह तात्काळ आमच्या सगळ्या स्टाफला जमा करून नमूस ठिकाणी रेड कारवाई केली असता त्यामध्ये आम्हाला गोपाल उर्फ बाळा, प्रमोद पिंपळकर शीतला माता मंदिरजवळ राहणार, सय्यद बिलाल पशरत मीर, गौरव उर्फ बोरकर, शैलेश बाजा बोरकर असे चार आरोपी घटनास्थळी निघून आले आणि त्याच्यातला सागर उर्फ दद्दू पुजारी हा जो आरोपी आहे हा तो पडण्यामध्ये तो यशस्वी झाला, कारण त्या ज्या एरियामध्ये आम्ही हे केलेली होती त्यामध्ये झाडे झुडपे भरपूर असल्या कारणाने त्याला पडण्यासाठी उपयोग झाला। त्याचा वार दोरी, मिरचीची पावडराची पाकिट आणि लाकडी दांडा वगैरे असे जे घरपोळी साहित्य घरपोळीघर आपले याच्यासाठी दरोडा टाकण्याकरिता उपयोगात साहित्य येते ते साहित्य जप्त करण्यात आलेले। आरोपी या अगोदर गौरव बोरकर, शैलेश बाजा बोरकर यांना तडीपारसुद्धा करण्यात आलेला आहे आणि सर्वांवरती 10-10, 12-12, 15-15 गुन्हे दाखल, 10-12 गुन्हे दाखल। समान मामला नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत आ गया है, जहां रात के समय गश्त करते वक्त मिली जानकारी के आधार पर दिनांक 26 अक्टूबर की रात 1:30 पर नंदनवन झोपड़पट्टी गली नंबर 12 निवासी रिकॉर्ड अपराधी राजू शिंदे के घर के समीप वाली झोपड़ियों पर छापेमारी की गई, जहां चेतन मनोज बर्डे उम्र 23 वर्ष नंदनवन झोपड़पट्टी गली नंबर 14 निवासी, सोनू उर्फ मोगली राजू पाठक उम्र 28 साल जुना बगड़गंज निवासी, वैभव संजय डोंगरे उम्र 19 वर्ष प्लॉट नंबर 75 डायमंड नगर निवासी, शिवम श्रीधर डुमरे उम्र 28 वर्ष आदि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बड़ी डकैती की फिराक में थी, जिनके पास से एक लोहे की तलवार, एक लोहे की रॉड, लकड़ी की बेसबॉल स्टिक, रस्सी, मिर्च पाउडर जिनकी कीमत लगभग 2,400 रूपए है, यह माल बरामद किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।